हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल इजी फिजिक्स बाय तुषार सर। हियर यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स चैप्टर विल बी मोशन इन प्लेन सिंपल में गेट एंड टुडेस टॉपिक विल बी वी हैव सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल फ्रॉम 4.8 टू 4.10। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फ्रॉम एग्जांपल फ्रॉम 4.1 टू 4.7। ओके, आज हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं 4.8 टू 4.10 एंड द चैप्टर विल बी ऑलरेडी कंप्लीटेड। 4.8 देखो दिया है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। Neglecting air resistance, find the time taken by stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground। तो क्वेश्चन भी क्या दिया है कि एक 490 मीटर का इस तरीके से ये इसकी हाइट कितनी है 490 मीटर। यहां से किसी स्टोन को थ्रो किया जा रहा है और दिया है कि द स्टोन थ्रो हॉरिजेंटल, यानी कि ये होता है हॉरिजेंटल, यानी कि स्टोन को आपने यहां पे इस तरीके से थ्रो किया। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, इनिशियल स्पीड वी नॉट आपका है 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि द टाइम टेकन टू स्टोन टू रीच द ग्राउंड और जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8 ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये बताओ स्टोन को आपने यहाँ से इस तरीके से थ्रो किया, हाइट कितनी है 490 मीटर को 490, कोई इशू वाली बात नहीं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ये स्टोन आपका इस तरीके से कुछ आगे की तरफ जाएगा, यहां पे जाके गिरेगा। ठीक है, और जब ये बता, जब ये स्टोन यहां पर आपका गिर रहा है, यहां पर आके जब गिर रहा है तो आपको क्वेश्चन बताना है कि तो ये टाइम कितना लगेगा, इस स्टोन को मैक्सिमम हाइट से इस बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा सेकेंड, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको बताना है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका ये टू डायमेंशन का क्वेश्चन है तो हम इसको सिंगल सिंगल डायरेक्शन में चेंज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इस पार्टिकल को, इस स्टोन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा मुझे अभी बताओ। इनिशियल में यहाँ पर इनिशियल में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, एक्स डायरेक्शन की, तो ये बताओ ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन की है, एक्स। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है, एक्स डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी है कितनी 15 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो। क्या ये वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, नहीं है, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है जीरो। क्लियर, अब मुझे अभी बताओ अब इस पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो अब मैं किसी भी एक एक डायरेक्शन की बात करो आप, तो अगर मैं वाई डायरेक्शन को लेता हूं, अगर मैं वाई डायरेक्शन को लेता हूं तो सिंपल ये बता, अगर मैं वाई डायरेक्शन को कंसीडर करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो। एक पार्टिकल आपका यहां से आ रहा है, ये हाइट कितनी है 490। केवल y डायरेक्शन को, x डायरेक्शन का बिल्कुल भूल जाओ, y डायरेक्शन आप केवल y डायरेक्शन में फोकस करो, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी जीरो। जब ये पार्टिकल आपका नीचे की तरफ आएगा तो एक ही जगह पे क्या लोगे, प्लस जी लोगे, क्योंकि मोशन कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, और ग्रेविटी भी कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लगती है। ये हो गया पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो आपको ये पता है। तो ये तो यहाँ पर क्या मैं ये क्वेश्चन यूज कर सकता हूँ क्या मुझे, अब यहाँ पर आपको टाइम ये आपको बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होगा, तो मुझे हाइट पता है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ, S इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/280 स्क्वायर। एस की जगह पे कितना आ जाएगा 490, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। 1/2 ए की जगह पर जी इंटू टी स्क्वायर, और यहां से ये जीरो थी, टू से मल्टीप्लाई, तो 490 इंटू टू अपॉन जी की वैल्यू 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपका आ जाता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो टी इज इक्वल टू कितना 10 सेकेंड,
आपका आ गया ये, यानी कि इस पार्ट ये पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो ये तो आपका आ गया ना, जितना टाइम पे पार्टिकल नीचे आएगा उतना टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे आएगा, दोनों डायरेक्शन दोनों जो आपके जो मोशन है वो सेम टाइम पे हो रहा है। तो पार्टिकल आपका ऊपर से नीचे यानी कि अपवर्ड पॉइंट से डाउनवर्ड पॉइंट तक कितने टाइम पे आपका आ रहा है, 10 सेकंड में आ रहा है। ये पहला आंसर, क्लियर। अब आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल आपका ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आपको मैंने कई बार बताया है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या वो चेंज होगी। पार्टिकल अगर आपका एयर में है तो क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या क्या कोई त्वरण लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी वही रहेगी। तो यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी कितनी, तो यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी कितनी थी 15, तो यहाँ भी वेलोसिटी कितनी होगी 15 ही होगी। ये वेलोसिटी कितनी 15, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आपकी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब बात करते हैं कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। यहां पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी 0, और यहां पर आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से मैं एक कंडीशन लेके चलता हूं कि वाई डायरेक्शन में यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ये हाइट कितना है 490 है, यहाँ पर वेलोसिटी आपको निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगा मुझे, मुझे लगा कितना सेकंड, 10 सेकंड। कैसे निकालोगे ये बताओ। तो यहाँ पर आपको ये निकालना है, ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं इसको निकालता हूँ, मैंने निकाला v = v0 + at, बिल्कुल सिंपल। आपको ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो v = initial velocity = 0 प्लस a की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 9g आ जाएगा, g इंटू टी, तो v = 9.8 × t की जगह पे कितना है ये 10 है, तो v = कितना 98 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 98, ये वेलोसिटी कितनी 98, तो रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट ये, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो v net = √v, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है रिजल्टेंट निकालोगे तो आपका रिजल्टेंट यही होगा। नहीं तो ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट माइंड में सेट होना चाहिए। ये रिजल्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा आपका 98 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 98 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू द 99 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 99 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4.9 में दिया है कि एक क्रिकेट बॉल को आपने 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया, 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। इनिशियल में 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पे थ्रो किया, तो आपको बताना है, पहले पार्ट में बताना है कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि ये पार्टिकल आपका इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी कि जितना कि कितने टाइम तक आपका फ्लाइट करेगा, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू बतानी है। पार्ट सी में आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, यानी कि रेंज आपको बताना है, परास। बिल्कुल सिंपल, आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है, रेंज का फॉर्मूला। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछा है, तो उसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको निकालनी है, तीनों का फॉर्मूला आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले बताओ एच का फॉर्मूला कितना, एच का फॉर्मूला v² sin² θ/2g। व्हाट इज द वी, 28 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, व्हाट इज द थीटा, 30/2g, 28 का स्क्वायर साइन 30, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4/2g, सॉल्व करते हैं ये आपका आता है 10 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। ये पार्ट ए का आंसर, पार्ट बी का आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये बता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है उड़ियन समय t = 2v
साइन थीटा अपॉन जी टू वी की वैल्यू 28, साइन 30 अपॉन जी कितना 9.8, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आता है 2.9 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल, फटाफट के लिए आपको सॉल्व करना, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। पार्ट सी का आंसर, व्हाट इज पार्ट सी में आपको निकालना है कि व्हाट इज द रेंज, रेंज कितना होगा परास, तो परास का फॉर्मूला कितना होता है, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो वी की वैल्यू कितनी 28, तो 28 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा की जगह पे कितना 30, ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन जी की वैल्यू कितनी 9.8, ये आपका हो जाएगा आर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर इंटू साइन 60, साइन 60 यानी रूट 3/2 अपॉन 9.8, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आता है कितना 69 मीटर। दैट इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल था, कुछ करना नहीं था, आपको थीटा दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, तीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, तीनों का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप तीनों का फॉर्मूला पुट अप करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो 4.10 क्वेश्चन नंबर 4.10 दिया है कि एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रोव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एक कीड़ा है ठीक है, वह सर्कुलर ग्रोव में फंसा हुआ है, आगे दिया है कि उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे समझो यहां पर इंसेक्ट है, ये सर्कुलर ग्रोव हो गया और ये रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। आगे देखो दिया है कि रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रोव, यानी कि इसी के अलोंग ये मूव करता है, इसी के अलोंग ये आपका इसी के अलॉन्ग मूव करता है, अलॉन्ग द ग्रोव स्टडीली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, बात समझना, 7 रिवोल्यूशन 7 चक्कर, 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, 7 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में 100 सेकंड में होता, तो एक रिवोल्यूशन कितने सेकंड में हो जाएगा, 7 रिवोल्यूशन 100 सेकंड में, तो यहां पर एक चाहिए तो 7 नीचे आपका आ जाएगा, यानी कि 100 अपॉन 7 सेकेंड, यानी कि एक रिवोल्यूशन 700 अपॉन 7 सेकेंड। और आपको पता है कि ये बताओ ये क्या निकला आपका, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला टाइम पीरियड, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में लगे टाइम को आप बोलते हो टाइम पीरियड, तो एक ऑक्सीलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है 100/7, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी कैपिटल टी की वैल्यू है। आगे क्वेश्चन देखो, आपको बताना है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ मोशन, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या, वी इक्वल टू, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप एंगुलर स्पीड निकाल लो, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला यानी कि ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है 2π/T, बताया था आपको 2π/T की वैल्यू कितनी, ये आपका टी है 100/7, 7 आपका ऊपर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 2π की जगह पे 22/7 इंटू 7/100, 7 से 7 विल बी कैंसिल आउट, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आता है 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, ये रेडियन है और ये टाइम है, तो रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा क्या निकला एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, पार्ट बी में निकालना है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर एंड, और अगर ये है तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, क्या जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, तो सबसे पहले वेक्टर निकालते हैं, तो वेक्टर का फॉर्मूला एक्सेलरेशन वेक्टर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इसका पाथ कैसा है सर्कुलर, और कहीं भी अगर आपका पाथ सर्कुलर है तो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, सर्कुलर एक्सेलरेशन आपका आएगा, कहां पर आएगा आपका, आएगा सेंटर की साइड में, देखो अभी बताओ, देखो ये सेंटर की साइड में है तो हर एक बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर आप इसकी देखो तो डायरेक्शन इसकी देखो, यहां पर है तो ये डायरेक्शन आपकी ये हो गई, यहां पर है तो डायरेक्शन आपकी ये हो गई, यहां पर है तो डायरेक्शन आपकी ये हो गई, यानी कि जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो क्या ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा,
ये आपका कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आपका नहीं है, तो यहाँ से कितना आपका आ जाएगा, v की जगह पे r ओमेगा लिख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस दिन, v की जगह पर चाहो तो आप r ओमेगा लिख सकते हो, तो v की जगह पे मैंने लिखा r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, ये आपका हो जाएगा कितना r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, व्हाट इज द r ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 12 इंटू व्हाट इज द ओमेगा 0.44 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते ही हमारा आता है 2.3, एक्सेलरेशन है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर r को मैंने चेंज किया था, ये 12 सेंटीमीटर में ही है, तो ये आपका हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पार्ट ए में आपको लीनियर वेलोसिटी भी पूछा था, ये बताओ तो यहां से v आपका आ जाएगा ना, v इक्वल टू कितना r इनटू ओमेगा, व्हाट इज द r, r विल बी 12 एंड व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा विल बी 0.44, यहां से आप सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा लीनियर स्पीड। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 के जितने भी एग्जांपल थे वो आपके सारे के सारे एग्जांपल कंप्लीट हो गए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।